राम राम साथियों, मैं हरिओम स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एचओ स्टडी ग्रुप में। देखो, आज के वीडियो में हम कृषि पर्यवेक्षक में कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, जैसे अभी तक कितने फॉर्म भराए हैं और कृषि पर्यवेक्षक के फॉर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जो आज हम करेंगे। मैंने आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि कृषि पर्यवेक्षक के फॉर्म की अंतिम दिनांक 17 मार्च है। कितनी थी? 17 मार्च, जो कि अब तक निकल चुकी है। मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, किंतु अगर किसी के फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई हो या कुछ गलती हो गई हो और उसमें करेक्शन करना हो, तो उसने 7 दिन का एडवांस टाइम दिया है। कब तक दिया है? तो 24 मार्च तक उसने हमें समय दिया है। 24 मार्च तक हम कृषि पर्यवेक्षक के फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी ई मित्र पे जाइए और वहां पर अपनी एसएसओ आईडी खोलिए। वहां पर एडिट का ऑप्शन आएगा, तो आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हो, किंतु आपको ₹300 एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आई हो या कुछ बाय मिस्टेक कुछ गलत हो गया हो, आपकी परसेंटेज हो गई, कुछ भी आपके दिक्कत हो गई हो, एक बार सभी अपना फॉर्म चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ₹300 एक्स्ट्रा चार्ज देकर आप नजदीकी ई मित्र से या स्वयं उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये तो कृषि पर्यवेक्षक के फॉर्म में अगर किसी के समस्या हुई हो तो वह अपना एडिट कर सकता है। अब देखो, कृषि पर्यवेक्षक के फॉर्म जो कि 17 तारीख लास्ट थी और भर चुके हैं, अब उसमें कितने फॉर्म भरे हैं ये आज हम देखेंगे। अब देखो, अभी तक टोटल फॉर्म कितने भरे, तो अभी तक 1,25,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। कितने? 1.25 लाख। 1,25,000, अगर हम 1,25,000 को 882 सीटों से निकालते हैं, क्योंकि अभी वो 1,025 जो सीटें थी अभी तक जोड़ी नहीं गई है, तो अभी तक हम 882 सीटों से ही इसकी तुलना करते हैं। तो एक सीट के लिए कितने बच्चे आ रहे हैं? 150 स्टूडेंट आ रहे हैं। एक सीट पे कितने का कंपटीशन है? तो आपको 150 बच्चों का कंपटीशन है। अगर 150 बच्चे पेपर देंगे, उसमें एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, 149 बेरोजगार ही रहेंगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से आपको जी जान लगा देना है। तो देखो, एक बात मैं बताता हूँ कि आने वाला है वक्त तेरे इम्तिहान का, आने वाला है वक्त तेरे इम्तिहान का, करना पड़ेगा तुझे सामना 1.25 लाख का। तो अब आप जी जान लगाकर मेहनत करते रहिए और आपको सफलता मिल जाएगी। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सोल्व करिएगा और सारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पुराने पेपर मैं अपने बोर्ड पर ही सोल्व कराऊंगा, तो आप कंटिन्यू बने रहेगा और हर क्वेश्चन में हम जो भी सभी ऑप्शन होते हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो आप उन्हें देखते जाइएगा और सोल्व करते जाइएगा। जेट ICR इनके भी पेपर आप सोल्व कर दीजिएगा, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ कि अब पोर्शन कितना है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। तो एग्रीकल्चर आ रही है, हिंदी का पोर्शन है और जीके का पोर्शन है। जीके के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 15 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन तो आप पुराने पेपर वगैरह सोल्व करोगे तो आपको जनरली पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप 15 व 25 क्वेश्चन इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप अपने जीके भी स्ट्रॉन्ग करिएगा और हिंदी भी, क्योंकि आपको लगभग देखो 150 लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी। तो लास्ट ईयर देखो, लास्ट टाइम जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का फॉर्म निकला था तब लगभग 81 प्रश्न किए थे 100 में से, तब जाके सिलेक्शन हुआ था। यह मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ कि लगभग 81 क्वेश्चन सही हुए थे, लगभग जनरल की 241 पॉइंट समथिंग गई थी 300 नंबर में से। तो अब आप ही देख लीजिएगा कि कितनी ज्यादा ये कंपटीशन है, क्योंकि पहले तो सीटें भी ज्यादा थी, लगभग 1800 सीटें थी, इस बार तो 882 सीटें है। तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। आपका सामना कितने से है?
तो 1.25 लाख से है, तो आपको जी जान लगा देनी है और कंटिन्यू आपको मेहनत करते रहनी है, इस बार नौकरी पक्की ही लेनी है। इसी के साथ देखो, अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मैंने सारी वीडियो अभी हॉर्टिकल्चर वगैरह ये जनरल सारी चीजें डाल रखी है, तो एक बार आप उनको जाकर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिएगा। पुराने वीडियो सभी ट्रिक के और फैक्ट के साथ बताए हुए हैं, तो एक बार आप उनको जाकर देखिएगा और कंटिन्यू रोजाना वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।